Let me go across now to Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad, who's joining us here on the show. Chandrasekhar ji, pehle aapki pratikriya jana chahungi aaj ke is verdict par. जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत. और प्रतिक्रिया ये है कि पांच स्वर्ण जाति के जजों ने ये तय किया कि जो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण मिलता आ रहा है वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए. तीन ने कहा मिलना चाहिए, एक ने कहा कि मिलना तो चाहिए लेकिन क्योंकि गरीबों को आर्थिक आधार पे, तो एक SC/ST OBC को मिलना चाहिए. दो जजों का ये मानना था और अंत में फैसला आया कि 3-2 की बहुमत से जो याचिका थी उसको खारिज किया था, EWS रहेगी. तो मैं ये समझता हूं कि जिस न्यायिक व्यवस्था में SC/ST OBC के लोग नहीं है उनको वहां से न्याय मिलने की उम्मीद जीरो है. और आज ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ. लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी, एक बात बताइए कि इसमें आपका ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि अगर वर्डिक्ट देखा जाए तो जो ये 10% कोटा की बात कर रहे हैं EWS कैटेगरी के लिए, वो जो 50% कोटा है उसको इफेक्ट नहीं करेगा. बिल्कुल सहमत. लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन करना, तो क्या संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पे है? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा. फिर दूसरी बात, जो जस्टिस ललित साहब ने कहा, जस्टिस भट्टी ने कहा कि बिना, अगर हम गरीबों की बात करें तो बिना SC/ST OBC को इसमें रखे तो ये तो इससे तो जातिवाद होगा, ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, उसको भी तो हमें जनता के सामने लाना चाहिए. फिर बड़ी बात यह है कि आरक्षण है क्यों? आरक्षण इसलिए है कि जिन समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और डाइवर्सिटी रखने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है. तो आप मुझे बस ये बताएं, क्या स्वर्ण जाति के लोगों का क्या प्रतिनिधित्व भारत की किसी व्यवस्था में, किसी भी संस्था में कम है? तो जब हम आधार रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगेगा कि कम नहीं है, ज्यादा. हम जिस 10% की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जातीय जनगणना कराएं तो पता लगेगा कि आबादी पारी मूल से 15% है स्वर्ण जाति के लोगों की. तो चंद्रशेखर आजाद जी, इसका क्या हल है? क्या आप चाहते हैं कि जो 10% से सोशली बैकवर्ड को एक्सक्लूड किया गया है, अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आप सहमत होंगे इस 10% कोटा से? मैं बस एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. जी, एक जज है JB पार्टी वाला जो गुजरात हाईकोर्ट से आए हैं सुप्रीम कोर्ट. मैं 2015 का उनका एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा, आरक्षण और करप्शन ने भारत को बर्बाद कर दिया है. जो आरक्षण के इतने विरोधी है, जिन पर महाभियोग के लिए 58 सांसदों ने साइन किया हो, फिर उनको अपना फैसला पलटना पड़ा हो, जिनको यही नहीं पता कि आरक्षण 10 साल के लिए है या संविधान की मूल भावना में है, अगर ऐसे जज बैठ के फैसला देंगे तो अंत फैसला ऐसा ही आना है. EWS पूर्ण रूप से गलत है. EWS का जो आधार है वो संविधान में है ही नहीं. मेरा विरोध है कि संविधान का वॉयलेशन हुआ है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं. और रही बात जो आप उससे सवाल पूछा आपने मुझे कि इसका मैं किस चीज से सहमत हूं, मैं इस चीज से सहमत होता हूं कि भारत में जाति जनगणना होकर ये पता लगे कि किस समाज के पास, किस जाति के पास कितने रिसोर्स हैं, कितनी उसकी भागीदारी है, उसके बाद सभी लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी देश में मिले. ये कहने से एक जज उनमें से, उनका बयान यह था, 73 साल से आरक्षण कब तक चलेगा? तो जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में कॉलेजन सिस्टम बना के SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग घुसने से रोका जाएगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा, भेदभाव नहीं खत्म होगा, जब लोग भूख के कारण भूखे पेट सोएंगे, जब बिना छत के सोएंगे, तब तक, जब तक भारत में मूल सुविधा व्यक्ति को नहीं मिलती, तब तक आरक्षण रहना चाहिए. और आरक्षण मिलना ही है तो सबको मिले आबादी के आधार पर, क्योंकि जब देश बटा है, जब देश आजाद हुआ. लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी, आरक्षण आबादी के आधार पर नहीं, आरक्षण जो उसका पर्सपेक्टिव है वो है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को भी राइट किया जाए, और जैसे आपने बोला कि जो पिछड़ी जातियां उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके पास जॉब्स होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए. अगर वो 50% कोटे से वो मिल रहा है, उसके साथ साथ जो कि अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको भी एक तरह से बूस्ट मिल रहा है 10% रिजर्वेशन से, तो इसकी तो आपको, इसके आपको सहमति देनी चाहिए, आपको इसको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से पिछड़ गए हैं ना. बिल्कुल सहमत हूँ. आपने तो भी बताया कि आरक्षण का आधार क्या है, शैक्षिक पिछड़ापन, जिनका प्रतिनिधित्व जो है संस्थाओं में कम हो,
यही तो है, आर्थिक आधार भी तो नहीं है ना, ये तो आपने भी बताया ना, जब आबादी का आधार नहीं तो आर्थिक आधार भी नहीं है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात, मैं तो कह रहा ना एजुकेशन सबके लिए मुफ्त कर देनी चाहिए, सबके लिए सारी तरह की एजुकेशन फ्री, अंतिम व्यक्ति के लिए भी, किसी को कमी नहीं होनी चाहिए कि एजुकेशन के लिए उसको घर बेचना पड़े, जैसे कमजोर वर्ग के लोगों को बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे एससी ओबीसी का हो या सामान्य जाति का हो, किसी बच्ची को ना हो, लेकिन प्रतिनिधित्व तो देखना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे, आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए क्या स्वर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कम है किसी संस्था में? अगर हो तो संस्था का नाम बता दो, मीडिया में ही बता दो कम है क्या, कहीं भी कम नहीं है। ऊपर से बैच ने मांग की कि डाइवर्सिटी तब रहेगी, आपके ऊपर आरोप लगेगा, पांचों जज स्वर्ण जाति के हो, आप स्वर्णों के पक्ष में आपको मीडिया विरोध में फैसला देना, आपके बच्चे भी घर में पूछेंगे कि क्या फैसला दिया, आपके रिश्तेदार भी पूछेंगे, तो इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग भी रख लो तो क्यों नहीं रखा? अब तो एससी के दो जज है वहां, ओबीसी का एक जज है, माइनॉरिटी का भी एक जज है, एससी का भी एक जज है, क्यों नहीं रखा? और ऐसे जज रखे जेबी पार्टी वाला जैसे, जो पहले से पूर्वाग्रहित है, जो कहते हैं कि 10 साल जिनको ये नहीं पता, उनकी उनकी तो परीक्षा होनी चाहिए जेबी पार्टी वाला साहब की, न्यायाधीश साहब की, कि 10 साल के लिए आरक्षण कहां से लिखा, कौन सी किताब में लिखा 10 साल के लिए आरक्षण था, और कौन सा आरक्षण था, उनको ये भी नहीं पता। तो जिन जजों को ये भी नहीं पता कि कौन सा आरक्षण कितने समय के लिए था, वो बैठ के फैसला देंगे, तो मेरा सवाल बनता है कि वहां एससी एसटी ओबीसी के लोग क्यों नहीं थे? और जैसे आप मांग कर रहे हैं ना, अभी आपने भी कहा कि स्वागत करना चाहिए वो जो लोग वंचित थे, जो लोग नहीं मिल रही थी अच्छी शिक्षा, तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉलेजन सिस्टम लगाकर बैन कर दिया है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की मांग भी करते हैं, और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इसका तो स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जो फाउंडेशन थी 50% की खत्म कर दिए। तो अब जो है, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए सरकारों से मांग करें कि उनको उनकी आबादी के हिसाब से तो मिले, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि करना चाहिए, आपका ये कहना है जी कि जो 50% की एक लिमिट एक तरह से तय थी पहले, अगर वो टूट गई है अब, तो अब और लोग भी आरक्षण मांगेंगे, और ये क्या आप कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रेसिडेंस नहीं सेट करेगा? नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ, आपका मेरा बिल्कुल कॉमन सवाल है देहाती भाषा में, अगर एक बाप को अपनी बेटी के पक्ष में या विरोध में फैसला देना हो, तो उसका उसका जब वो फैसला दे रहा होगा तो क्या वो बाइस नहीं होगा? जब 5 स्वर्ण जाति के लोग जज बैठेंगे और फैसला देंगे स्वर्ण जाति को आरक्षण मिलना चाहिए मिलना चाहिए, तो क्या उनको जवाब नहीं देना अपने परिवारों को? लेकिन उनके ऊपर कोई बाउंडेशन है? लेकिन ये बात हम कह रहे हैं इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जो लॉयर थे पिटिशनर के चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने बोला कि एक तरह से यूनानिमिटी थी, हालांकि ये 3-2 का जजमेंट था, लेकिन जो पांचों जजेस में सहमति एक मुद्दे पे थी वो था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेसिस बनाया जा सकता है आरक्षण का। आप कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है संविधान में, क्योंकि है नहीं, तो क्या इस नहीं है ना? तो क्या इस मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू मांगेंगे? क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती मान लेगा क्या? क्या 500 जज में, मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई आदमी अपने परिवार के खिलाफ फैसला देगा क्या? 5 जज स्वर्ण जाति के हैं, क्या वो अपने परिवार को, रिश्तेदार को क्या जवाब देंगे? क्या उनकी जाति को प्रिविलेज नहीं मिल रहा? आप मुझे बताओ 500 जज किस जाति के हैं, स्वर्ण जाति के हैं या नहीं, आप बताइए। क्या उनके परिवार को, रिश्तेदार को प्रिविलेज मिल रहा? जब अपने रिश्तेदारों को कुछ सुविधा देनी होगी तो क्या वो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है घालमेल नहीं होगा? तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि कहा जस्टिस ललित साहब ने और जस्टिस जो है भट्ट साहब ने, इस बात को भी तो गौर करना पड़ेगा ना कि बिना एससी एसटी ओबीसी के जब हम गरीबों की बात करते हैं तो ये तो इससे तो जातिवाद होगा, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये वायलेशन होगा अगर हम एससी एसटी ओबीसी को इस 10% में शामिल नहीं करते, तो ये भी तो कहा है। तो मैं कह रहा हूँ तो क्या इस मुद्दे पे, क्या इस मुद्दे पे आप रिव्यू मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कह के कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी ज्यादातर हैं वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस 10% कोटे से तो ये जस्ट नहीं होगा, इस पॉइंट को लेकर क्या रिव्यू मांगा जा सकता है? मुझे जब तक वहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के दरवाजे नहीं खुलते, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वहां से न्याय की उम्मीद दलित पिछड़ों के लिए मात्र एक भ्रम है और कुछ नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जुडिशरी में जातिवाद है, और जातिवाद के कारण जब एससी एसटी ओबीसी के मामलों पर चर्चा होती है या उनके मामलों पर जवाबदेही होती है तो कलम
कभी भी जो है वो सकारात्मक नहीं होती, इसके कई फैसले हम देख सकते हैं। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिविजन में क्योंकि न्याय व्यवस्था है, जाना पड़ेगा तो रिविजन में जा सकते हैं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सरकार जितना जल्दी हो सके कोलिजन सिस्टम खत्म करे, ऑलरेडी एजुकेटेड सर्विस कमीशन लाए और हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाने का अधिकार दे, और जब वहां वंचित वर्ग के लोग पहुंचेंगे तब मुझे लगता है कि फैसले बायस नहीं होंगे और डाइवर्सिटी बनी रहेगी और फैसलों पे ज्यादा शिकायत लोगों को नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तब एक तरफा फैसले देने से पहले सोचना पड़ेगा। आखिरी सवाल फिर, आपका ये मानना है कि आप कोई जुडिशियल हल इसमें नहीं की उम्मीद नहीं रखते हैं, आपको एक राजनीतिक हल दिखाई पड़ रहा है, क्या ये आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना यह है कि जब 3-2 के बहुमत से ऑर्डर हुआ है तो अगर ये यही चेक करना है तो जिस तरह से वोटिंग होती है जनता में वोटिंग करा के देख लीजिए इसका फैसला क्या है, जनता अपने आप मत दे के बता दे क्या है। मैं समझता हूं कि आज भी आजाद भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जो तमाम तरह की समस्याओं में अपने जीवन का यापन करते हैं, जो बिना छत के सोते हैं, जिनपे अच्छे कपड़े नहीं है, जिनपे अच्छा पीने को पानी भी नहीं भारत में, उन वर्गों के बारे में भी वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जजों को सोचना चाहिए कि उनका हिस्सा छीन के किसी को नहीं देना चाहिए। और अगर आप वो 10% दे रहे हैं तो इसमें भी SC ST OBC के लोगों, जैसा जस्टिस दलित साहब ने कहा, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ, जस्टिस बरसात की, उनको भी इस रोहित में इंक्लूड करना चाहिए अगर वो अलग से दे रहे हैं, जबकि आर्थिक के आधार पर आरक्षण संविधान का वायलेशन है। इसलिए मैं इस पे असहमत हूँ और ये लोकतंत्र है, मेरी आजादी है कि मैं सहमति और असहमति दर्ज करा सकता हूँ। जी बिल्कुल, इसीलिए आपका यहाँ पे हमने आपकी प्रतिक्रिया भी इसीलिए मांगी है। चंद्रशेखर आजाद, मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग विद अस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।